हेलो नमस्कार, मैं प्रभात प्रो मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग एमटीएस एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, जो कि 2 अक्टूबर का तो तीनों शिफ्ट का हो चुका है, 5 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है। आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और आज हम लोग सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, आप लोग एक बार जरूर देखें और उसके बाद आप लोग डिसाइड करें कि चैनल को लाइक करना है कि सब्सक्राइब करना है या डिसलाइक करना है या इस पर बने रहना है। तो एक बार जरूर देखें और समझने की कोशिश करें कि कैसे इस पर कितने अच्छे ढंग से आप लोगों के लिए मेहनत किया जाता है। और आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाता है कि एक एक नंबर दो दो नंबर से लोग आगे बढ़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार आपके सामने, द सम ऑफ आर एस 500 बिकम आर एस 600 इन 2 ईयर। कह रहा है कोई सम है जो कि 500 से बढ़ के 600 हो जाता है 2 सालों में, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। वो रेट सिंपल इंटरेस्ट होता है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाफ हाफ्ड, देन व्हाट अमाउंट विल बी आर एस 500 गिव इन 2 ईयर। यहां पे 2 ईयर है तो बताना है कि 500 से 600 में बढ़ के 2 सालों में बढ़ जाता है, तो वहां से आपको रेट निकालना है और जो रेट आएगा उसका हाफ करके आपको अमाउंट बताना है। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को बड़े सावधानी से आराम से कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका से। तो देखिए आपके पास प्रिंसिपल कितना हो गया 500, अमाउंट ये सब जस्ट लिखने के लिए किया जाता है, आप ऐसा ही आप बता सकते हैं। 100 आ जाएगा, इसमें से घटाया जाता है इसको, ऐसा ही 100 आ गया। तो फॉर्मूला आप लगा दीजिए और टाइम दिया ही हुआ आपके पास 500, दो ये टाइम और रेट आपका पूछ ही रहा है। तो 20 से 20 20, 10 से 10 कट गया, आर एस आर आपका हो गया 10%। अब कह रहा है कि यहां पे कंडीशन लगा दिया है, रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हाफ होगा तब आगे का काम बनेगा। तो रेट को हाफ कर दीजिए तो आर एस 5% आ गया, जो भी यहां से पूछ रहा है। अब कह रहा है कि प्रिंसिपल 500 दिया हुआ है दूसरे कंडीशन में, केस 2 में। तो प्रिंसिपल आपका 500 दिया हुआ है तो 500 लगा दीजिए डबल, रेट आपका 5%, टाइम 2 ईयर, यहां से ऐसा ही निकल जाएगा आपका 25 दुनी 50 आ गया। अब आपसे अमाउंट पूछा है तो आप 500 में 25 ऐड 50 ऐड कर देंगे तो आपका 550 अमाउंट आ गया, यही आपसे पूछा गया था। बहुत सारे चीज को स्किप करके भी आप काम कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, यहां पे बताने के लिए बताना पड़ता है बहुत सारे भाई को, जो भाई यहां वीडियो देख रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत ही, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सेकेंडे में, मतलब सेकेंडे में कह सकते हैं आपसे यहां पूछ रहा है। एक मिनट में देखे क्वेश्चन को, एक्स वाई जेड का रेशियो दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम दिया हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड पे तुरंत नजर जाना चाहिए, जेड ये है तो जेड 5 का मल्टीपल में कौन सा है, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये है ऑप्शन, यही से आप कर सकते हैं। लेकिन आप एक बार बेसिक भी देख ले, एक बार मैं सोच रहा हूं पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग दिखेगा, तो चलिए पेन भी चेंज कर लिया जाए। तो देखिए ये आंसर हो गया 5 के मल्टीपल में, बाकी कोई ऑप्शन 5 के मल्टीपल में नहीं है। तो यहां देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम 96 है, तो तीनों को जोड़िए 4, 7 और 5, 12, 12x = 96, 8 एक्स का जो वैल्यू आया 8 आया, आपसे जेड पूछा जेड का रेशियो कितना 5 है, 8 × 5 = 40। देखिए इस तरह से आप क्वेश्चन फटाफट कर सकते हैं, जो कि मैं थोड़ा भी देखे कहीं से भी कुछ ऑप्शन नजर आए तो वहां से वो काम कर लेना चाहिए। बाकी आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कि आप कैसे सॉल्व किए हैं, क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, आपको सिर्फ आंसर से मतलब होना चाहिए और बेसिक और बाय ट्रिक दोनों आपको आना चाहिए, जहां से भी जो पॉसिबिलिटी बने वो कर ले। देखिए क्वेश्चन है यहां पे थोड़ा सा मैं बैक में लेके, चलिए देखिए
कुछ इस प्रकार एक कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो उसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे आप। दो मिनट वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस बॉक्स का काम करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सारे स्टेप लिखना पड़ता है, मुश्किल होता है लेकिन करना पड़ेगा। तो क्यों ना थोड़ा सा इस स्टेप को भी कर ले। तो 36 4 2 ये हो गया 4 माइनस 1 प्लस। इस तरह का क्वेश्चन ऑलवेज ऑलवेज मैं कहता हूं कि आप लास्ट नहीं करें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम किलिंग क्वेश्चन है। 8 माइनस 5 माइनस 3। अब देखिए यहां से 4 2 18, यहां से 2 और उसके बाद यहां लिख लीजिए इसको प्रेस, 1/2 माइनस 1 15, यहां से माइनस कीजिएगा 2 आएगा, तो 2 जाएगा इसके अंदर में। अब देखिए सबसे दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है, 18 माइनस 1/2 प्लस 15 1/2। यहां से देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, इसी वाले पार्ट को, इतने का इतने को, तो 2 तो 6 7 14 आएगा, 14 एक मिनट 18 2 माइनस 1 15 14 8 14 2 7 11। देखिए कहीं गलती हो गया है तो होता ही है, लाजमी है। इस क्वेश्चन का खासियत ही है कि गलती हो ही जाता है। तो चलिए एक बार फिर से मैं इरेज करके करने की कोशिश करता हूं। ये सबको आता है क्वेश्चन, एक फिफ्थ क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से भी पूछेंगे आप तो बता देगा कि मुझे आता है, लेकिन होता है कि टाइम के साथ आप नहीं करते हैं इसको तो सिलेक्शन से काफी दूर चले जाते हैं। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है थोड़ा सा ढंग से इस क्वेश्चन के बारे में डील किया जाता है। चलिए अब देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 8 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 प्लस 5 50। पहले इसका काम किया जाता है डिवाइड, 8 माइनस 3 5 और 5 आ गया माइनस 3। देखिए इसमें स्टेप ही वही ना है, इसको लिखना पड़ जाता है। अब देखिए इसमें 32 आ गया 32 नहीं, इसके अंदर में है 8 4 2 डिवाइडेड 8। वही आप लोग इसको, मैं कह रहा हूं कि आप लोग इसको कर ले तो ठीक रहेगा आप लोग के लिए। चलिए इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूं, इसमें थोड़ा सा हो जाता है, आप लोग एक आध बार करेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है, सबसे हो जाता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस एज वेल एज हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कह रहा है कि रेडियस रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस जो होता है, मान लीजिए स्फीयर बना है उसका रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस एज ए वॉल एज द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये जो है कुछ इस प्रकार है, माफ कीजिएगा ये आर रहता है, ये हाइट होता है। कह रहा है कि सब भारत बराबर है, यानी इसके रेडियस के बराबर इसका हाइट है और आपका रेडियस भी है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसमें बताना है कि रेडियस बताना है कर्व सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सरफेस और
सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों इक्वल करना है और उसमें बताना है कि रेशियो क्या होगा। तो आप सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो आपके पास स्फीयर का जो सरफेस एरिया टोटल सरफेस सेमी होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक है। यहां से पाई कट कर देंगे, 2 से 2 कट कर देंगे। अब देखिए आर इक्वल टू आर एच है, यहां पे भी कह रहा है कि सब इक्वल है, तो यहां आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर यानी 2:1 आपका आंसर हो जाएगा, 2:1। तो ऐसे आप कर सकते हैं। पाइप ए कैन कंप्लीटली फिल एन एम्प्टी टैंक इन 11 आवर। कह रहा है कि पाइप है जो कंप्लीटली फिल करता है एम्प्टी टैंक को, खाली टैंक को 11 घंटे में। पाइप ए बी कैन एम्प्टी द सेम कंप्लीटली फिल टैंक इन 15 आवर। कह रहा है कि वही बी इधर से आया, यहां से खाली कर रहा है 15 घंटे में, खाली कर रहा है या भर रहा है, खाली कर रहा है। ओपन टुगेदर दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाता है, इधर भर रहा है इधर खाली कर रहा है, इधर भर रहा है इधर खाली कर रहा है। हाउ मच टाइम एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड। कह रहा है कि खाली टैंक कितने समय बाद भर जाएगा। तो देखिए ए का कितना है, 11 है, बी का 15 है, तो इसका एलसीएम 1/165/11। अब देखिए 165, अब ये भर खाली कर रहा है, भर रहा है तो माइनस कीजिए 4 आएगा, तो 4 चौका 16 41.4, तो यहां 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, 41 घंटा 15 मिनट में आपका 41 आवर 41 आवर 50 मिनट में ये जो टैंक है ये भर सकता है, ये खाली करते रहे तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के साथ जा सकते थे। एसोल एंड आर्टिकल 1495 एट द प्रॉफिट 15% द परचेज अनदर आर्टिकल हैविंग सेम अनदर आर्टिकल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू द प्रीवियस आर्टिकल व्हाट He sold his new article at a profit 10%. How much total profit at earn? कह रहा है कि ये जो है किसी आर्टिकल को सोल्ड करता है 15% के प्रॉफिट पे सोल्ड करता है, ठीक है। Another article having same cost price, जो आर्टिकल कॉस्ट प्राइस आता है उस पर दूसरा क्या करता है कि 10% प्रॉफिट पे सोल्ड करता है। तो बताना है कि प्रॉफिट परसेंट टोटल कितना हुआ, यानी इसमें और जो आएगा उसमें कितना परसेंट का प्रॉफिट परसेंट रहा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सोल्ड एन आर्टिकल फॉर इतना, तो एसपी दिया ही हुआ है तो सीपी निकाल सकते हैं, 115/100=149.5 23। इसको पहले ही आप काट सकते हैं, इसको देखिए 23, 23, 23, 15, 18, 1 मिनट, 18, 12, 13, यहां से आप जा सकते हैं 18, 25, 23, 1 मिनट, 1495 23 से जाएगा तो 5 से नहीं जाएगा, 6 से 7 3 21 14, 6 से जाएगा 18 12 1 13, तो यहां से आप 11 आ जाएगा, हाँ ठीक है कट जाएगा। देखिए और 5, ये 65 टाइम्स कटेगा, 65 टाइम्स, तो सीपी आपका जो आएगा 1300 रुपया आ गया सीपी। अब आप देखिए सीपी आ गया 1300, आपके पास एसपी कितना है, एसपी 1495, तो प्रॉफिट आपके कितना आ गया 195, ये याद रखिएगा प्रॉफिट इसी का काम है।
फर्स्ट आर्टिकल से बेचने पे हमको प्रॉफिट कितना आया, 195 रुपया यहां पे लिख दिए हैं यहां पे। अब देखिए सेकेंड आर्टिकल की बात करता है, सेकेंड आर्टिकल आया इसी के बारे में बात कर रहा है, इसी पे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा जो कि प्रीवियस आर्टिकल का है। व्हाट ही सोल्ड न्यू आर्टिकल एट प्रॉफिट 10%। अब इसी पे बताना है कि 10% प्रॉफिट जो आया 1300 10 3 4 1 सिंगल जीरो है तो 1430 रुपया। अब देखिए सीपी है एसपी है, इसमें से कितना बढ़ा, तो बढ़ा कितना 130 रुपया, 130 रुपये प्रॉफिट आ गया यहां पे, 130 रुपये प्रॉफिट लीजिए। अब दोनों प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, दोनों प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट आ गया 195 130 5 12 325 आपके आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि आप सोच सकते हैं कि एमटीएस एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है हर बार, तो आप इग्नोर ना करें, हर जितने भी सीरीज है आप लोग देख लें 2x की स्पीड में, बिल्कुल इग्नोर ना करें इस कंसेप्ट को। ए इज द स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 3, 4, 5 एंड लिव रिमाइंडर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ए। मान लीजिए ए कोई डिजिट होगा 3 डिजिट का, 101 हो सकता है, 110 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी अगर 3 डिजिट में होता है 99 में हो, लेकिन स्मॉलेस्ट कह रहा है कंडीशन, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर होगा आपका 100 होगा। तो चलिए पता करते हैं कि कौन वो नंबर है खुशनसीब जो कि इस क्वेश्चन में आया है 3, 4 और 5। इसका एलसीएम लीजिएगा आप, एलसीएम कोई कॉमन नहीं है, तो 20, 23, 60। अब जो भी होगा वो 60 के मल्टीपल में होगा, तो 3 डिजिट में जाइए, तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 3 डिजिट चला गया 120 3 डिजिट में चला गया। अब इसमें क्या कीजिए आप कि लिव रिमाइंडर 1, 2, 3। अब देखिए यहां से 3 हम 1, 4, 2, 5 तो यहां आप देख सकते हैं 3 1 रिमाइंडर छोड़ा है, 4 2 रिमाइंडर, 5 आपका 3। अब देखिए इसमें सब में दो कॉमन है, ठीक है, तो इसमें से 2 घटा लीजिए, 118 आया, अरे 118 आया, ठीक है। अब इसका यही ए नंबर आया, इसका सम पूछ रहा है, तो 1 + 1 + 8 = 10 आंसर। ऐसे आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सटीक ढंग से। हाँ, तो इसके बारे में भी क्या ख्याल है आप लोग, चलिए इसको कर लिया जाए। 7 3 divide 6 + 4 - 2 7 × 3 6 + 4 - 2 + 2 3 2 तो यहां से हो जाएगा 4 11/2। ए के लिए आ गया 11/2, वैसे ही आप बी के लिए कर सकते हैं, सी के लिए कर सकते हैं, और इस वैल्यू पुट करके फाइनली आंसर ला सकते हैं। ये देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं इसको ढंग से कर देता हूं, तो इस तरह का आपका आंसर है। तो आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद करेंगे कि नहीं करेंगे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं ही करता हूं। हालांकि अभी तक जितने भी आंसर मैंने कहा है किसी ने कोई कमेंट नहीं करता कि यार लेकिन वीडियो पर प्रॉपर लोग देखता है, तो यार
ऐसे पढ़ाई का क्या मतलब, जब एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा जाए तो उसका जवाब नहीं मिलता है। तो सिक्स डिवाइड बाई 4 × 4 प्लस 2 − 6 इतना है, तो आप 2 टाइम जा सकते हैं, इसको काटिए, 2 − 4 − 2। सी के लिए 6 / 2 + 4 − 3 − 2 4 12 − 2 15 − 2 13 13 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहे, a + b − c, यहीं देख लेते हैं, a + b − c, इसका वैल्यू पुट कीजिए, 11/2, इसका कितना आया, −2, इसका कितना, −13, तो 11/2 + −4 − 26, 30 − 29, 30 − 11 − 29/2, जो कि ऑप्शन डी है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। द एवरेज एज ऑफ ग्रुप इज 36, स्टूडेंट इज 23 ईयर, 4 स्टूडेंट विथ एवरेज एज 22 ईयर लीव द ग्रुप, व्हाट इज द एवरेज एज इन ईयर। 1 डेसिमल में जाना है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 36 स्टूडेंट का एवरेज एज है 23 ईयर, और 4 स्टूडेंट का एवरेज एज 22 है, जो कि ग्रुप से चले जाते हैं, तो बताना है कि अब जो बच रहे हैं बच्चे स्टूडेंट, उनका एवरेज एज क्या रह गया है। तो देखिए, कुछ भी हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, जो भी हो ठीक ही हुआ होगा, क्योंकि उनको मन नहीं लग रहा होगा। तो देखिए, 20 × 2 = 72 और 108, 8 × 2 = 8, 820 फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं। और कह रहा है कि इसमें से 4 लड़कों का एवरेज एज ग्रुप 4 × 22 88 0 4 7 4। अब देखिए, ये जो बच्चे आए 740, अब बच्चे कितने, 36 में से 4 लड़के चले गए, तो बच्चे कितना, 32। तो यहां से आप डिवाइड कीजिए, डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, क्योंकि काट पीट करने का टाइम नहीं रहता है। 64 10 100, 3 तो नहीं जाएगा, 3 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, जी हाँ, 9 4 एक मतलब है 23 पॉइंट, यहाँ 23.1 आपका आंसर हो जाएगा। एक डेसिमल के बारे में पूछ रहे हैं, कर सकते हैं। द रेशियो मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 12:7, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट। देखिए, बहुत MP × discount = SP, MP कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, 12 × discount यही निकालना है, 7 हो गया आंसर। देखिए, ये 8.5 से कटता है, काट दीजिए, उसके बाद 56 हो 35, 7 × 8 = 56, और 56 और 3 59.5। अब देखिए, 100 से कितना बड़ा, तो 41 50, एक बार ऐसे कर लीजिए डी निकालने के लिए, 700 / 12, 12 × 6 = 72, 12 × 5 = 60, 10 × 12 = 96, ठीक है यार,
कहाँ गलत हो रहा है, 32 36 चार 3, तो यहाँ 57। देखिए यहाँ पे ऑप्शन से ही 33 आ रहा है, तो एक ही इकलौता ऑप्शन है जो कि हो जाएगा। 100 में से कितना घटाना है आपको, जितना घटाना वही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डे, बी सी ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी सी टूगेदर सेम पीस ऑफ वर्क इन 20। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई आप लोग समझ सकते हैं। ए बी 20/3 काम करता है और ए बी सी सेम डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40/7। ए बी सी 40/7 काम करता है, हाउ मेनी डे पी सी टूगेदर द सेम पीस ऑफ वर्क। बताना है कि ए बी और सी के लिए वो तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, तो सबका क्या कीजिए आप इन सब का एलसीएम ले लीजिए। ऊपर वाले टर्म को एलसीएम लीजिएगा सिर्फ 10, 20 और 40। बताते हैं इस क्वेश्चन का खासियत, आप जब फ्रैक्शन वाले इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या कीजिए, सबसे पहले ऊपर वाले टर्म का पेन चेंज कर लें, बताने में रुक जाइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से बताया जाए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए है 10, ए बी 20/3, ए बी सी 40/3। अब क्या कीजिए, ऊपर वाले टर्म का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 40 आएगा, इससे कीजिएगा डिवाइड, तो 4 यूनिट, इससे कीजिएगा 20 से 40 को तो 2, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 40 से 40 से डिवाइड कीजिएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि बी एंड सी टुगेदर मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, यहां से तो एक अगर खेला खत्म, यहां से आप एक यूनिट वर्क पुट करेंगे तो बी निकल जाएगा, तो ए का 4 है यहां 6 है, तो बी कितना आया, 2 आया, घटा दीजिए 2 आ गया। जब बी और ए निकल गया तो सी भी निकल जाएगा, तो बी सी का ए बी का कितना है, 6 है और यहां पर 3 है, यहां पर 3, तो सी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, हो गया आंसर। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या आ गया 40/3, अरे 7 ना, हाँ यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो ये 7 हो जाएगा, तो ए बी 6 है, तो सी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन उस टाइप का, बस अब आपसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ बी प्लस सी के बारे में पूछ रहा है। टोटल वर्क कितना है, 40 है, बी सी का यूनिट कितना है, 2 और 1 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका फाइनल। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बड़े सावधानी से बड़े प्रेम पूर्वक करें तो ठीक रहेगा आपके सुनहरे भविष्य के लिए। द सम ऑफ मनी इन्वेस्ट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज कंपाउंड एनुअली द ग्रोथ ग्रो टू 1000 आफ्टर 3 ईयर एंड 1100 आफ्टर 4 ईयर, वाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, मान लीजिए प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, 3 सालों में 1000 हो जाता है, चौथे सालों में आफ्टर 4 ईयर यानी यहां से चौथे सालों में 1100 हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो आप क्या कीजिए, इसमें से सिंपली घटा लीजिए, तो 1100 आएगा और इसको अंडर में लिखते हैं, उसके बाद इसको कट कर देते हैं, तो रेट आपका जो आता है 10%, ये तो रेट आ गई। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, बार बार बता रहा हूं कि आपसे कभी पूछ दे कि प्रिंसिपल बताइए, यहाँ प्रिंसिपल नहीं पूछा है, इससे पिछले वाले वीडियो में प्रिंसिपल पूछा है, तो
प्रिंसिपल भी निकाल लीजिए आप, 11/10 इंटू 15। यहां से आप फाइनली जब करेंगे 10,000 वही आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो आपसे रेट सिर्फ पूछा है तो 10 यहाँ पे मेंशन है, वो गया फाइनल। तो हो गया आपका, देखिए आंसर ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस विथ 3 डिफरेंस स्पीड, फर्स्ट 3 किलोमीटर विथ स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड 60 किलोमीटर विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एंड थर्ड 9 किलोमीटर विथ स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए ऑफ फुल होल जर्नी। होल जर्नी कह रहा है कि ये कोई ट्रेवलर है जो कि डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस कवर करता है 3 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस है, स्पीड आपका उसका 9 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड कह रहा है कि 6 किलोमीटर, तो स्पीड इसका 15 किलोमीटर पर आवर। दूसरे में, तीसरे में कह रहा है 9 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसका एवरेज स्पीड बताना है तो बता सकते हैं, कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए सबसे एक स्टेप याद करने में बुलाइए, इसको ऐड कीजिए 18 18 बटा 3 बटा 9 6 बटा 15 9 बटा 18। इस तरह से आप लिख लीजिए 18 बटा 1/3 2/5 2 1/3 2/5 1/2 18। तो इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाएगा डायरेक्टली, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30 और यहां से 10 6 12 और 15 37 तो सब में है तो 8 3 54 तो 54 जिसमें होगा वही आंसर होगा फाइनल हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। देर आर 150 स्टूडेंट इन स्कूल, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स 4:1 व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लें। मीन प्रोपोर्शन के बारे में पूछ रहा है, द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल बताना है। कह रहा है कि एक स्कूल में 150 लड़के हैं, मतलब स्टूडेंट है, नंबर ऑफ बॉय और गर्ल्स का रेशियो 4:1 है, तो बताना है कि मीन प्रोपोर्शन में लड़का लड़की की संख्या क्या होगी। तो यहां से 4x + x = 50, तो यहां से x = 30, तो यहां से बॉयज निकल जाएगा 120 और गर्ल्स निकल जाएगा 30। देखिए टोटल करके 150 आ गया। और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे आप, 120 × 30, तो इसको आप 4 × 30 × 30 लिख सकते हैं। 4 का बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा और 30 2 तो 60 हो गया आंसर, आपका आंसर फाइनल ए हो गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पूछ दिया, दो कंसेप्ट इसमें अप्लाई किया है। द ट्रेन क्रॉस 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 300 सेकेंड। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन 6 मीटर देन हाउ मच टाइम डज द क्रॉस द स्टेशनरी पोल। कह रहा है कि ट्रेन है जो कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि 900 मीटर का है, उसको ट्रेन क्रॉस कर जा रहा है प्लेटफॉर्म को 300 सेकेंड में। द लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ट्रेन का लेंथ 600 मीटर, द
तो कह रहा है कि स्टेशनरी पोल जो बीच में पोल नहीं आते हैं, बिजली के खंभे या टेलीफोन लाइन, वो अक्सर आपको दिखेंगे, तो वो फिक्स अपनी जगह पर उसको कितने मिनट में कवर कर लेगा। ठीक है, यानी मान लीजिए कि ये पोल है, ट्रेन जैसे चुक करते हुए चले, जब तक ये एंड पॉइंट क्रॉस ना कर जाए तब तक हम काउंट करेंगे। तो यही बता रहा है, तो ट्रेन का लेंथ जो भी लेंथ पर डिपेंड करता है इसका सेकेंड। तो देखिए टोटल टोटल कितना, 1500 डिवाइडेड बाय 35 आपका मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आ गया, मीटर पर सेकेंड आपका आ गया तो 12 20। देखिए 600 इसी ट्रेन के बारे में पूछ रहा है, यही ट्रेन का लेंथ है, वो कितने में पूल को कवर कर जाएगी। तो ट्रेन के लेंथ से ही निकलेगा, इससे तो निकलेगा नहीं। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस 600 है और स्पीड आ गया, तो कितना आएगा 120 सेकेंड। तो सेकेंड को मीटर में चेंज, मिनट में चेंज कीजिएगा तो 2 मिनट आंसर। देखिए क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड वाटर 3:2। इफ वी वेंट वांट द रेशियो वॉल्यूम एंड मिल्क ऑफ वाटर 1:1, देन हाउ वाटर शुड बी एडेड द मिक्सचर। कह रहा है कि मिल्क और वाटर का जो वॉल्यूम है 60 लीटर है, दोनों मिक्स किया हुआ है, एक ग्वाला जो है मिक्स कर लिया आपने कंटेनर में, और जो जो कंटेनर में मिक्स किया है उसका रेशियो जो उसमें डाला है पानी और मिल्क का कुछ इस प्रकार है। तो हम ये इससे हम ये निकाल सकते हैं कि इसमें वाटर कितना है और पानी कितना है, तो 12 तो इधर से 36 इधर से 24, यानी 36 लीटर आपका मिल्क डाल दिया, 24 लीटर आपका पानी डाल दिया, तब जाके ये एक रेशियो तैयार हुआ। कह रहा है वी वांट वेंट द रेशियो वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड वाटर 1:1, देन हाउ वाटर शुड बी एडेड द मिक्सचर। अब वाटर को और कितना मिला दिया जाए कि एक रेशियो एक में हो जाए। तो यहाँ ऑब्वियसली कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको एक रेशियो एक में बनाना है, तो यहाँ 12 ऐड कर दीजिए तो 36 रेशियो 36 हो जाएगा, तो तभी तो 1:1 हो जाएगा। तो यही 12 लीटर हम ऐड करेंगे, ठीक है। और नहीं अगर कुछ समझ में आए तो 36 तो आपका मिल्क है, 24 और आप वाटर में ऐड कर लीजिए, 1:1 है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां से आप x का मान निकाल लेंगे, x का जो मान आएगा वही आपका ऐड होगा, हो गया आंसर। द मोड, व्हाट इज द मोड गिवन डाटा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि देखा जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कौन सा है, वही आपका मोड होता है। तो देखिए इसमें कर लीजिए आप काम, 2 के बारे में लिखिए, 1 2 3 3 है नंबर ऑफ टाइम, 2 3 1 2 3 4 5 5 है, 4 के बारे में लिखिए, 1 2 3 4 4 है, 5 5 के बारे में लिखिए, 1 2 नहीं है ज्यादा, 2 और शायद 6 भी है, 1 है। इसमें से जो मैक्सिमम होता है इस नंबर में वही आपका मोड होता है, तो 3 होगा आपका मैक्सिमम, तो 3 पे आंसर जाकर टिक मार दीजिए आंसर, मोड निकालने के लिए कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज फर्स्ट इंक्रीजिंग बाय 10% एंड देन डिक्रीजिंग बाय 20%, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज एरिया। कह रहा है कि साइड ऑफ अ स्क्वायर, ए स्क्वायर साइड ऑफ अ स्क्वायर जब एरिया निकालेंगे तो ए स्क्वायर होता है, तो एक बार आप इंक्रीज करा दीजिए, ऐसे कीजिए, देखिए एक बार आप एरिया निकालिए, एक बार इंक्रीज करा दीजिए, इंक्रीज इनटू
डिक्रीज करा दीजिए 80 × 80 डिवाइडेड बाय 1 2 0 0 0 2 0 से 2 0 64, यहाँ पे मल्टीप्लाई के 64 11 × 11। देखिए यहाँ से 11 मल्टीपल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, 4 0 और 7, फिर 11 से मल्टीपल 4 0 4 4 7 7, ये आ गया डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए ये इसमें 100 में से कितना इंक्रीमेंट हुआ, 44, तो आपका डिक्रीज हुआ 22.56%, क्योंकि डिक्रीज ही तो हो रहा है, आंसर हो गया। एवरेज ए ऑफ एवरेज ऑफ ए बी सी इज 9, ए प्लस बी प्लस सी इज 9, बी सी 10, तो ए के बारे में बात कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27, बी प्लस सी इक्वल टू 20, ए इक्वल टू 7, आंसर। इसमें तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। डायमीटर ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 35 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², तो 3 × 22/7, 35/2, 35/2, यहां से 5 टाइम्स, इससे गया 1। अब हम सोच रहे हैं यहाँ 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई तो 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाने में कोई इज्जत जरूरी पड़ जाएगा, तो इसे 25 75, 75 × 11 × 35/10। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इसमें इस टर्म में 30 से इसमें कीजिए, तो 15 21 26, फिर 5 से 25 35 37, 5 12 8 9 10 10 3, 30 25 × 11 मल्टीप्लाई कीजिए आप, 5 7 2 3 3, शायद कहीं गलती हो रहा है, गलती तो हो रहा है कहीं, 5 7 कहीं गलती हो रहा है, बनेगा ऐसा ही कहीं, यही देखते हैं, 35 को 75 को, 5 25 35 37, 15 21 22, 5 12 6 26 25 26 25 आया, हाँ 26 25 आया, तो इसको 11 से कर दीजिए, 5 7 8 और 2, नहीं नहीं 5 7 8 8 2, 18, यहाँ पे आ गया 28 75 और बटा 110, तो यहाँ लगा दीजिए तो आपका आंसर आ गया। इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक था, यहाँ पे तो आप जान गए कि कैसे सॉल्व करना है, इजी सा क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड हाइट ऑफ हाफ इट्स ब्रेथ इफ द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिख लीजिए, हाइट ऑफ, इस पे रोन दीजिए, बी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट, यहां दिया है
क्वेश्चन क्या है कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड हाइट इज हाफ ऑफ ब्रेथ इफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एज ऑफ क्यूब हैविंग द सेम वॉल्यूम एज अ क्यूबॉइड। यहां पे गौर करने वाली बात है कि क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम सेम है तो आपके पास क्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, हाइट आपका 2 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो कंडीशन दिया हुआ है लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस द ब्रेथ 2b एंड दूसरे कंडीशन हाइट इज हाफ ऑफ ब्रेथ। तो यहां हाइट कितना दिया हुआ 2 दिया, तो यहां पुट कर दिए तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और बी 4 हो गया तो 8 हो जाएगा एल। तो यहां से आप बॉल एल बी एच इक्वल टू ए क्यूब, 8 × 4 × 2 ए क्यूब और 32 × 64, 64 का क्यूब क्या होता है 4 होता है, ए का आंसर हो जाएगा 4। यही आपसे पूछ रहा है, ध्यान देने वाली बात थी। तो कॉस्ट द सीपी ऑफ आर्टिकल ए बी इज 1200 रिस्पेक्टिवली, द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इतना 1380, द टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग बोथ आर्टिकल इज 25%, व्हाट इज द परसेंटेज ऑन द सेलिंग आर्टिकल ऑफ बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ए के बारे में कंडीशन दिया हुआ है, ए का सेलिंग है इतना और ए का सीपी है इतना, तो यहां से प्रॉफिट निकल जाएगा 180। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए 180/1200/100, यहां से 15, तो पी परसेंटेज इक्वल टू 15%, ओवरऑल आपके पास 25% दिया ही हुआ है टोटल, तो यहां 25 x और सीपी यहां पे लिखा जाता है, तो दोनों का सीपी दिया ही हुआ है, बी के लिए हम एक निकालना है तो 12 का हो जाएगा 3 रेशियो, इसका रेशियो चेंज कीजिए 3 और इसका 4, तो 4 देखिए कितना ईजी हो जाता है 45 4x 7 175, यहां से घटाइए 4x तो हो जाएगा आपका 130, x इक्वल टू कट कीजिए 32.5 आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा आंसर। यही बी के बारे में पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ सेलिंग आर्टिकल ऑफ बी कितने परसेंट में सेल किया जाता है, 32.5% में। तो ये देखिए डीआई का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन था, मैं खुद सॉल्व किया इसको, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें फिगर नहीं आने के कारण इस क्वेश्चन को नहीं कराया जाता है। तो चलिए, आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेक केयर, बाय बाय।